हमारे साथ मौजूद हैं एक्ट्रेस टर्न्ड एंटरप्रेन्योर रोजलिन खान, जिनके साथ सोसाइटी में उनकी प्रॉपर्टी डैमेज कर दी गई और भी चीज़ें हुई, हम जानेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू फिल्म इंडो चैनल मैम। थैंक यू। तो क्या है पूरा मामला, हमारे व्यूअर्स को जरा बताइए। एक्चुअली जब से मुझे कैंसर डायग्नोस हुआ उसके बाद से जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ वहाँ इस फ्लैट की मैं ओनर हूँ और मेरे ऐसे कोई ड्यूज बाकी नहीं है, बी इट लीज रेंट, बी इट माय नॉर्मल मेंटेनेंस या फिर रिपेयर फंड्स, एवरीथिंग इज़ क्लियर। बट हुआ ऐसे कि इस बिल्डिंग में कुछ फ्रॉड्स हो रहे थे, कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहे थे, सो उसके लिए मैंने एक नोटिस इनको भेज दिया था। एंड जो पिछली कमिटी थी 7 से 8 लोगों की, वो डिसॉल्व हुई और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर इस बिल्डिंग में आए। अब जो पिछली कमिटी है उसने जो भी मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स किया उस पर एक 88 की इंक्वायरी ऑलरेडी चल रही है और रजिस्ट्रार में उनकी इंक्वायरी हो रही है और जो अभी इस वक्त बैठे हैं उन्होंने कुछ फंड्स कलेक्ट किए रिपेयर के नाम पर और रिपेयर ठीक से हुई नहीं है। मेरे एक तरफ वॉशरूम में काम हो गया है, दूसरी तरफ डक में काफ़ी लीकेजेस हैं और इनलेट आउटलेट सब कुछ रिपेयर के लिए बाकी है। सो मैंने जब इनसे हिसाब मांगा तो डेफिनेटली जब आप नीचे वाली टीम से हिसाब मांगोगे तो वो ऊपर वाली टीम भी उसी पछड़े में खिंच जाएगी। सो देवर नोइंग कि अगर एक की पोल खुली तो सभी की पोल खुल जाएगी। सो दे स्टार्टेड टारगेटिंग मी और ये एक बड़ा ग्रुप बन गया, बिकॉज पिछली जो कमेटी थी वो 7-8 का ग्रुप, ये 3-4 का ग्रुप, सो इट्स ऑलमोस्ट 7-8 पीपल से ज़्यादा हैं जो मुझे टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज दिनों के जिस दिन ये फ्लैट छोड़कर चली जाएगी तो ऐसे सवाल कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि बेसिकली इसमें इन्वेस्टर्स के फ्लैट बहुत हैं। 39-40 फ्लैट्स ऑलमोस्ट रेंट पर हैं और जो रहे बचे फ्लैट्स हैं उसके लोग ऑलरेडी कमेटी में या फिर बोर्ड में शामिल हैं। तो अब मेरे लिए ये दिक्कत हो गई कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं है इस पूरी टीम से। आपके कार को भी डैमेज कर दिया गया, तो सोसाइटी मेंबर्स भी इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है क्या? इसमें सोसाइटी और सोसाइटी मेंबर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब रिपेयर शुरू होती है किसी भी बिल्डिंग में सो सेफ्टी नेट यूज़ की जाती है, लोग देखा जाता है कि किसी पर डेब्रीज ना गिर जाए। तो पहले मेरी कार पे डेब्रीज गिराई गई, हालांकि उसकी मेरी पार्किंग में जहां कार खड़ी होती है उसके ठीक बगल में जो मेंबर हैं उनकी कार है उस पर कवर कर दिया जाता है, मेरी कार पे कोई कवर नहीं लगाया जाता है। प्लस मुझे आकर बताते नहीं कि भाई आपकी कार पे सीमेंट गिर गई है, आप जल्दी हटा लो। वो सूखने के बाद जब उसको हम क्लीन करते हैं तो पूरा कलर पील ऑफ हो गया उसका। फिर इन्होंने रिसेंटली कलर पेंट गिरा दिया, मैंने उनसे कहा कि पेंट कैसे आया, तो देन दे सेट के प्रूफ करो, तो मैं प्रूफ तो नहीं कर सकती, आपको पता है कि यहीं कार खड़ी है तो इसी पे से गिरा है। सो उस पे उन्होंने मेरे से बदतमीजी की। इनफैक्ट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ट्रीटमेंट तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, कमेंट्स पास करते थे मुझे, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते थे मेरे लिए। प्लस एक दो बार ऐसा हुआ कि मेरी एम्बुलेंस को इन्होंने अंदर नहीं आने दिया, सिक्योरिटी गार्ड्स तो स्पेशली ऐसा लगता है कि मेरे ही पीछे लगा दिए गए कि जैसे मैडम ऊपर से नीचे आती हैं कार में बैठ के बस जाएगी तो वो 10 मिनट गेट नहीं खुलता है इनका। सो ये छोटी छोटी सी हरकतें होती हैं जिससे मैं इरिटेट होती हूँ। डेफिनेटली वो टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ बड़ा नहीं कर रहे हैं मेरे साथ जिसकी वजह से FIR हो जाए। और हर बार एक नया इंसान सामने आता है कुछ बदतमीजी करता है, तो मैं किस एक का नाम भी नहीं बता सकती। अगर मैं जाती भी हूँ NC करने तो मैं बोलती हूँ कि सर पिछली बार ये था, अब ये है, अब वो है। सो उनका पूरा एक प्लान किया हुआ है कि इस हफ्ते हम तुम जाके इसे परेशान करना, अगले हफ्ते कोई और जाएगा परेशान करने। सो दिस इज़ लाइक बहुत छोटी हरकतें हो रही हैं। पुलिस के पास जब गए FIR कराने और क्या क्या बताया उन्हें? मैंने उनसे बताया कि मुझे ये लोग मेंटली हरेस कर रहे हैं काफ़ी दिनों से और मुझे मैन हैंडल करने की भी कोशिश की इन्होंने, मेरा लिफ्ट भी इन्होंने स्टॉप किया। तो दे आर सेइंग कि ये सब चीज़ों के लिए हम कोई केस रजिस्टर नहीं कर सकते, NC ले लेते हैं और मैं घर आ जाती हूँ। सो
जो एनसी होती है तो उस पर कोई एक्शन भी नहीं होता। मैं कई बार उनसे कहती हूँ कि आप सामने वाली पार्टी को बुलाकर एटलीस्ट सर डांट दीजिए कि दोबारा ऐसी हरकतें ना करें, मगर वो ऑफिसर उनको बुलाते भी नहीं है। तो शायद कहीं ना कहीं ये जो एनसी खेल चल रहा है मेरे साथ, तो ये एनसी की वजह से उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वो समझ गई कि ये क्या कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस स्टेशन जाएगी, अपना ही टाइम ख़राब करेगी और हमारा तो कुछ होना नहीं है। तो दे आर डूइंग देयर वर्क। जैसे आपने भी कहा कि मतलब जब कोई भी बिल्डिंग रिपेयरिंग में जाती है तो सब नेट लगाया जाता है, तो बीएमसी से कुछ ऐसा आपने कहा नहीं? सी मैं कल पुलिस स्टेशन गई थी, कुछ ऐसा कुछ। हाँ, जब मैं कल पुलिस स्टेशन गई थी तो मैंने ऑफिसर से कहा कि सर बीएमसी कुछ नहीं कर रहा है, तो दे सेड के ये महाडा में आती है ये बिल्डिंग, सो आप महाडा में जाइए और उनको बोलिए। तो मैं आज महाडा भी गई थी। सो सर, जब मैं उनसे मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मेरी हियरिंग चल रही है, आप तुम शाम को आना, बट मेरे तक ये मैसेज पास ऑन कर दिया गया कि ये जो इलीगल चीज़ें हैं, जो कंस्ट्रक्शन इलीगल कंस्ट्रक्शन भी किया गया है इस बिल्डिंग में, सो ये सब हमारे अंडर में नहीं आता। बेसिकली मुझे लग रहा है कि पुलिस स्टेशन जब जाओ तो ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। फिर आज मैं जैसे रजिस्ट्रार के ऑफिस गई तो वो भी ऐसे बोल रहे हैं कि ये हरेसमेंट का हम कुछ नहीं कर सकते, यू गो टू लोकल पुलिस स्टेशन अगेन। सो मुझे लग रहा है कि मुझे ये पुलिस स्टेशन और रजिस्ट्रार के बीच में फुटबॉल की तरह वो होता है ना, एक धक्के दिए जा रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है। तो ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? सालों से नहीं, पिछले 8-9 महीने से ये सिलसिला चल रहा है। पहले मैं ज़्यादा वोकल नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेरी प्रॉपर्टी, या ये कह सकते हैं कि मेरी कार जो है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो उस पर ये डैमेज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कल को ये अपनी कोई सामान ऊपर से या बड़ी सी डेब्रीज मेरे पे गिरा दें मेरे पर, क्योंकि इन्होंने खुद से बोला भी है कि कल को तुम्हारे सर पे अगर कुछ गिर जाता है तो हम थोड़ी उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। डेफिनेटली आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, आप सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं ले रहे हो? सोसाइटी में कैमराज हर जगह लगे? सोसाइटी में सोसाइटी में जो कैमराज लगे हुए हैं, मैंने कई बार इनसे मांगा कि मुझे फुटेज दो, तो उसके लिए भी मना कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मेरी जो बिल्डिंग में जो मेन बैल्कनी है उसके ठीक नीचे ये लोग पूरी डेब्रीज जमा करते हैं। हालांकि इनको पता है कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, मेरी इम्यूनिटी हमेशा डाउन रहती है। इनफैक्ट लास्ट फ्यू मंथ्स पहले मुझे एक बार वायरल फीवर भी आ गया, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गंदगी भी कर रहे हैं, जानबूझ के ऐसी चीज़ करते हैं कि मैं परेशान हो जाऊँ। मेंटली मैं कई बार बहुत परेशान होती हूँ। तो अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ मांग करना चाहते हो उनके थ्रू कि क्या हो रहा है, वो सामने वाला फेस ना करे, तो क्या कहना चाहोगे? सी, मैं ऑडियंस से और हमारे जो दर्शक हैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपकी सोसाइटी में किसी कोई कैंसर सर्वाइवर है, स्पेशली वो अकेली लड़की है, तो आप इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप उनको सपोर्ट कीजिए, ना कि आप सब एकजुट बन जाते हैं और उसे ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें वुमन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहिए, लोगों को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, और ये बहुत ही तुच्छ टाइप की हरकत हुई है। और मैं उन सब ऑडियंस से कहूँगी कि हमारे इंडस्ट्री की बहुत सी लड़कियाँ हैं जो ऐसे बॉम्बे में अकेले आकर रहती हैं। खैर, मैं तो इस फ्लैट की ओनर हूँ, जो लड़कियाँ यहाँ पर रेंट पर आती होंगी उनकी क्या हालत होती होगी, जो आज हम आजकल सुनते भी हैं, कई लड़कियाँ आगे आती हैं और बोलती हैं कि हमें ऐसे परेशान किया जा रहा है। सो उसमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई है। तो हम आशा करते हैं कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और पूरी फिल्म विंडो टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।